पूर्णिया के सदर थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित आनंद की अध्यक्षता में रामनवमी पर्व को लेकर बैठक की गई। बैठक में विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से त्यौहार के दौरान जिला में आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर त्यौहार मनाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने आदि बिंदुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित आनंद ने कहा कि विगत त्यौहारों के दौरान सभी समुदाय आपसी भाईचारे एवं श्रद्धा का अच्छा उदाहरण पेश किए थे। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर्व के दौरान जिला में विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन को सहयोग करें। जिलावासियों को रामनवमी पर्व को श्रद्धा एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्यौहार प्रत्येक समाज द्वारा श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना पूर्णिया जिला का इतिहास रहा है। आपसी भाईचारे एवं सम्मान के साथ पर्व मनाना, उसे बनाए रखें। उन्होंने कहा कि लाइसेंसी संगठनों को ही जुलूस निकालने की अनुमति रहेगी, साथ ही किसी प्रकार का जुलूस निकालने हेतु रूट चार्ट तय कर अनुमति लेना होगा। असामाजिक तत्वों एवं मनचले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने को कहा, साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भ्रामक पोस्ट शेयर ना करें। यदि इस प्रकार की अफवाहें आपकी जानकारी में आती है तो तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को दें, ताकि इस पर रोक लगाया जा सके। साथ ही किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अफवाह या समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत नियंत्रण कक्ष पर इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि रामनवमी के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान सड़क जाम नहीं करेंगे। त्यौहार के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता का उचित व्यवस्था किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से बालाजी सेवा संघ, मधुबनी अखाड़ा परिषद, स्टूडेंट क्लब खुकसीबाग, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के सदस्य, स्थानीय समाजसेवी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।